इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टार शेप का बेबी रैप बनाना। जो इस तरह से दिखेगा। इसके लिए हमने ये सबसे पहले पेपर कटिंग करेंगे। हमने ये पेपर लिया है, या आप अपने लंबाई चौड़ाई के हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं, या हम आपको एक नॉर्मल साइज का बता रहे हैं। हमने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। फिर ये जो आप कोना देख रहे हैं, इससे हम मिलाएंगे इसे, फिर डबल से फिर फोल्ड करेंगे। बचा हुआ नीचे फोल्ड करके ऐसे ये चार भाग हो जाएंगे इसके। अब हम इनका जो है 20 सेंटर ले लेंगे और एक सीधी लकीर खींच देंगे जो नीचे वाला हमारा सबसे छोटा पेपर है वो उसके हिसाब से, और राउंड शेप कर देंगे। और हम इसकी अब राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। यदि सीधा काटेंगे तो वो तीखा हो जाएगा। इस तरह से ये स्टार का शेप बन गया है। अब हम इसे कपड़े पर रख करके भी निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम दो निशान लगा रहे हैं। यहाँ इस तरह से हमने ये गोलाई दे दी है तीन स्टार्स के बीच में, जो कि हम इसकी कटिंग बताएंगे। सबसे पहले हम इसे रख कर कपड़े पर रख करके ट्रेस करके भी और इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब इसका जो ऊपर टोपी वाला हिस्सा है, इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे चौड़ाई में। और आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करके भी और पेपर को भी डबल करके और निशान लगाकर हम कटिंग कर सकते हैं। यह हम आपको कटिंग डबल फोल्ड पर बता रहे हैं ताकि एक जैसी कटिंग हो। ऊपर का भाग टोपी वाला है, इसे हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे चौड़ाई में। इसे आप फलालिन के कपड़े का, टॉवल के कपड़े का, या किसी नरम कपड़े का भी बना सकते हैं। हम अच्छे से शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा पतला या चौड़ा भी कर सकते हैं। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम अब हमने जो निशान लगाया था, हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके जो कपड़ा है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े की चौड़ाई ज्यादा चाहिए। और जो दो स्टार वाला है उसे हम रख करके और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने ओवरलैपिंग करने के लिए कट किया है। इसे भी हम बिल्कुल बराबरी का कटिंग करेंगे और पाव इंच हमने यहाँ पर गोलाई वाले भाग को बढ़ा कर लिया है। हम इसकी बिल्कुल बराबरी से सब दूर से कटिंग कर देंगे और बराबर का कर लेंगे। जो हमने नीचे वाला कपड़ा कट किया है बिल्कुल उसके बराबर का भी इसे गोलाई में कर लेंगे। अब हम इसे आपको रखकर दिखा रहे हैं किस तरह से रखाएगा। ये ओवरलैपिंग है, एक भाग इधर आएगा और दूसरा भाग इसके ऊपर आएगा इस तरह से।
ऊपर वाला जो भाग है हम यहाँ पर अब कैप लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे भी कट करते जाएंगे। अब हम ये टोपी की कटिंग कर रहे हैं, इसे भी हम नीचे रख के और गोलाई में कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये टोपी वाला भाग है, इसे भी हम लंबाई में थोड़ा कम करके और लेवल में कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो टोपी वाला भाग है उसकी हम लेस लगा देंगे। हम चाहे तो टोपी में दो तीन चुन्नट भी सल भी दे सकते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा है ओवरलैपिंग का, इस पर भी हम जो गोलाई वाला भाग है इस पर भी हम लेस लगा देंगे। ये हमने बिल्कुल सिंपल लेस यूज की है। इसके जो दोनों भाग हैं उन दोनों भाग पर हम लेस लगाएंगे। इस तरह से ये हम लेस लगा देंगे। इस बेबी रैप में बच्चे के हाथ पैर अच्छे से कवर हो जाते हैं। अब हम इसे जो मैन बड़ा हिस्सा काटा है उस पर हम इसे रख करके और पहले एक जैसा रख करके और हम बीडेड पिन से अटैच कर देंगे। ये टोपी वाला भाग है इसे हम उल्टा रखेंगे इस तरह से और हम अच्छे से लेवल मिलाते हुए और पिनअप करते जाएंगे ताकि सिलाई करते समय वो खसके नहीं। अब इस पर हम ये पिनअप करने के बाद हम इस पर दूसरा भाग रख करके भी और पिनअप कर देंगे। इसे भी हम उल्टा रखेंगे। नीचे वाला कपड़ा हमने सीधा रखा है ताकि ये पलटने पर एक जैसा हो जाए। इसके लिए आप फलालेन का कपड़ा, हौजरी का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा। यह हमने बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा यूज किया है। इस तरह से जितने भी हमने जो राउंड शेप लिए हैं ये सब हम पिनअप करते जाएंगे। पिनअप करने के बाद हम इसे चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पर। इस तरह से हम इसे पूरा सिल देंगे। यहाँ पर हम थोड़ी गोलाई देते जाएंगे।
इसे हम इस तरह से चारों तरफ से पूरा सिल देंगे। यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इसे इस तरह से बराबर मिलाते हुए और ये पूरी सिलाई लगा देंगे। बस ये हमारा बेबी रैप बनकर तैयार है। अब हम इसकी पिनें निकालकर और इसे पलटकर सीधा कर देंगे। सीधा करने पर हमें इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये मुड़ेंगे, इसकी जो गोलाई है वो नहीं निकल पाएगी। इसके लिए हम यहाँ पर जो गोलाई दी है उस पर कट लगाएंगे। ताकि ये गोलाई अच्छे से निकल जाए, इस तरह से हम जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ सब दूर कट लगा देंगे इस तरह से। अब ये बिल्कुल तैयार है। हम अच्छे से इसकी गोलाई और कोने निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एक बटन लगाकर इसे और अटैच कर सकते हैं कि ये खुले नहीं बार बार पिनाने के बाद। ये बनने के बाद इस तरह दिखेगा।